क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर वन कंप्लीट कर चुके थे और ये वीडियो आपको बहुत दिन बाद मिल रही है। उसके लिए थोड़ा सा व्यस्तता थी, उसको बाद में कोई बात नहीं। आज जो है वीडियो हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था, उसके रिवीजन में कुछ क्वेरीज हैं, हम उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला हमारे पास है, कुछ बच्चों को रूट टू रूट थ्री को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना नहीं आया। इसको मैंने बताया था, एक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, एक स्पाइरल रूट यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए देखिएगा, पहले रूट टू करना है, ये लाइन लिया जीरो और ये वन और ये आपका है टू, ये समझ में आ गया। फिर देखिएगा रूट टू का मतलब ये हुआ अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसको समझ लिए ए पॉइंट, इसको हमने बी पॉइंट ले लिया। यहां से बी पॉइंट पर हमने ड्रा कर दिया 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कितना ड्रा किया, बी पे हमने 90 डिग्री ड्रा कर लिया पॉइंट बी, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये इतनी डिस्टेंस वन यूनिट थी, वन यूनिट डिस्टेंस हमने यहां पर कट किया, दिस इज द पॉइंट सी, मीट ए टू सी, ये आपका वन है और ये वन है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मीन ए सी इक्वल टू रूट टू, दिस इज द वैल्यू रूट टू, क्लियर। इसके बाद ओ को सेंटर लीजिएगा और एक सेंटर लेके कंपास की डिस्टेंस दीजिएगा उस ए से सी तक का, उसके बाद एक आर कैसे लगाइएगा जो इसको कहीं पर किसी पॉइंट डी पे कट कर रहा होगा, दिस इज एडी, एडी इक्वल टू क्या आएगा रूट टू, क्योंकि एडी इक्वल टू होगा ए सी इज इक्वल टू रूट टू। सपोज दैट अब यहीं से हमें रूट थ्री बनाना है, रूट थ्री वी कैन राइट दिस रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो देखिए ए डी आपकी वैल्यू क्या रूट टू, इस डी पॉइंट पर अगेन बी ड्रा 90 डिग्री। हमने डी पे दोबारा 90 डिग्री बना दिया और फिर वन यूनिट यहां कट कर लिया, दिस इज द पॉइंट ई, ये क्या हो गया ई, ई को मीट करेंगे ए से। अब पाइथागोरस थ्योरम से ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। देखिए आज मैं एक ही मेथड डिस्कस करूंगा, आप लोग कहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। तो देखिए ए ई इक्वल टू ए डी का मतलब रूट टू और डी का मतलब वन, तो दिस इज टू प्लस वन मतलब अंडर रूट थ्री। तो क्या करेंगे, ए से लेके ए तक की डिस्टेंस नापेंगे, फिर एक आर कैसे ही लगा देंगे, तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा यहां पर एफ, ए से एफ तक की डिस्टेंस क्या हो गई ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू रूट थ्री, ये एक तरीका है, इसको समझिएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट टू एंड रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। इसके क्वेश्चन नंबर टू कंटिन्यू है,
एनसीईआरटी किसका क्वेश्चन नंबर टू है। हमने वहां पे समझाया था आपको, कुछ लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बता रहा हूं। देखिए इसे बहुत 4.26 को विजुलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये हुआ 4.26 बार, इसका मतलब ये हुआ 4.2626। दिस इज द आपका विजुलाइज करना है। देखिए 4.26 को विजुलाइज करना है तो 4.2626 लिया 4 प्लेस तक का। देखिए 4.0 एंड 5.0, इसको हमने 4.0 से 5.0 तक 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इस तरीके से 4.9 किया। फिर 4. ये नंबर किसके बीच होगा, 4.2 और 4.3, तो 4.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। छोटे वजह से हम लिख नहीं रहे बहुत ज्यादा। 4.260, 4.270, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 68, 69, 427। देखिए 4.260, 4.270, 261, 262, 263 इस तरीके से कर दिया। फिर 262 को और 263 को लिखा, 62 के बाद 262 के बाद क्या होगा, 0, 620, फिर 6261, 6262, 3, 4, 5, ये आपका 626 आ जाएगा। आई एम सो, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये एक स्टूडेंट से क्वेरी किया है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्वेरी करने का कोई मतलब मेरे समझ में नहीं है। इसका रीजन है, आप क्लास 8 में पहले चैप्टर में इस चीज को पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, आपको बता दूं कुछ फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, 8/5 इम्प्रॉपर है। इसको आप लिखेंगे किसके फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/3/5। तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है 0, 1 एंड 2, 1 होल यानी 1 से ज्यादा, यानी ये नंबर किसके बिटवीन होगा, 1 और 2 के बिटवीन, और बेस डिनोमिनेटर में क्या, 5। इसके 5 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके कितने पार्ट्स हो गए, 5, 1 होल 3, 1, 2, 3, दिस इज 1 होल 3/5। और भी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 13/5 होता तो हम लिखते 2 होल 3/5, तो आप इसको किसके बिटवीन ले जाते, 1 और 1, 2 एंड 3, 2 होल है यानी 2 से ग्रेटर बट लेस देन 3। इसके 5 पार्ट्स करते 1, 2, 3, 4, दिस इज 2 होल 3/5। अब हम अगर यही नंबर हमारे पास जैसे 11/7 है, देखिए जिसमें ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जो भी नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो 0 to 1 होगा, और निगेटिव होगा 0 से -1 के बीच। इसके लिए क्या करते हैं, 11/7 ए बी एस इसी फॉर्म में है, 1 होल 4/7, इसको लिखेंगे 0, 1 एंड 2। इसके बिटवीन कितने पार्ट्स करेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 1 होल 4/7 ये हो गया। अगर ये निगेटिव होता तो 1 -1 के आगे जाते हैं। इस तरीके से इसको हम नंबर लाइन में माइनस, सपोज़ेड मैंने किया -11/7, 11/7, 0, -1 एंड -2। अब इसके कितने पार्ट्स करेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं, 1 होल, 1, 2, 3, 4, दिस इज माइनस
11/7। ये था नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना। इसी में आगे देखिएगा, अगर सपोज 7/11 होता तो क्या करते हैं, हमेशा जब इम्प्रॉपर होगा तो जीरो से वन के बीच होगा या जीरो से माइनस वन के बीच होगा। इसके कितने पार्ट्स करते हैं, 11, 7/11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 7/11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या आ जाएगा, 7/11। इस तरीके से इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आगे हम 102 वीडियोज और भी रिवीजन करेंगे इस चैप्टर्स के, इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हाँ प्लीज, जो भी क्वेरीज हो तुरंत आप इधर, आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा, उस क्वेरी को हम इकट्ठा करेंगे एक दिन के बाद, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।